थॉमस लॉज यूनिवर्सिटी विट्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? ये शेक्सपियर के पहले जो ड्रामा है कैसे डिवेल्प हुआ, ये उसमें से ही एक पार्ट है। यूनिवर्सिटी विट्स जिन्होंने ड्रामा को डिवेल्प करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और थॉमस लॉज इन यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स में से एक है। सो इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेजेसी, जो कि एक प्रोज रोमांस है। और इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं रोजालिंड एंड रोजेटा। यहाँ पे क्या होता है, इस वर्क की समरी क्या है कि जो रोजालिंड और रोजेटा है, ये दोनों ही एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में इनका दोनों का बर्थ हुआ है। बट होता क्या है कि रोजालिंड और रोजेटा इन दोनों में से एक के फादर की डेथ हो जाती है और एक के फादर को बैनिश कर दिया जाता है, मतलब देश से निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से वैसे प्यार करते हैं, तो इसकी वजह से इन्हें सेपरेट होना पड़ता है। और ये कहाँ पे जाते हैं, भाग के ये जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। ठीक है, अब जो रोजालिंड है वो एक लड़की है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक बॉय का जो है वो भेस ले लेती है और अपना नाम रख लेती है गैलिमर। ठीक, तो इस वजह से जो रोजेटर है जब उससे मिलता है तो उसे पहचान नहीं पाता, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिलता है बट उसको पहचान नहीं पाता। तो उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों, मतलब जब सिचुएशन ठीक होती है तो वापस ये अपने घर आ जाते हैं। ठीक, अब ये वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है थॉमस लॉज का, बिकॉज ये वर्क है जो वो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है एज यू लाइक इट, उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इसका वर्क एज यू लाइक इट रोजालिंड से जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। तो हम इसमें भी देखते हैं कि रोजालिंड कैरेक्टर का नेम सेम है और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो एज यू लाइक इट में भी जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं इस वर्क की समरी है जो वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी विलियम शेक्सपियर के वर्क की एज यू लाइक इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।